हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये दो आई शेडो लुक दिखाने वाली हूँ जो मैंने क्रिएट किया है वेट एंड वाइल्ड आई शेडो पैलेट की मदद से, जो 500 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। सो बने रहिए वीडियो पर, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ ये पैलेट के बारे में। दिस इज वेट एंड वाइल्ड आई शेडो पैलेट इन कम्फर्ट जोन। कम्फर्ट जोन पैलेट ये है। इसका और भी अदर्स वेराइटीज़ भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैंने ये वाला पिक किया है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे शेड्स है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो पैकेजिंग कुछ इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी है, नीचे लिखा हुआ है वेट एंड वाइल्ड एंड दिस इज क्रुएल्टी फ्री। वेट एंड वाइल्ड के सारे प्रोडक्ट्स क्रुएल्टी फ्री होते हैं। एंड बैक साइड में अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा वो दिया गया है कि आप कैसे लुक कैरी कर सकते हो डे एंड नाइट के लिए। दो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप उसके हिसाब से इसको कैरी कर सकते हैं। इसमें आपको टोटल 10 आई शेडो मिल जाते हैं। टोटल 10 आई शेडोज में से आपको दो ट्रांजिशन शेड भी मिलते हैं। एंड इसका प्राइस जो है 499 रुपीज़ है MRP। एंड ये आप किसी भी ऑनलाइन ऐप पर अगर जाओगे तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल ही जाता है। सो 400-420 समथिंग आपको मिल जाएगा। सो अभी मैं दिखाती हूँ आपको इसमें आपको क्या क्या कलर मिलेगा। तो बॉक्स ओपन करते ही आपको दिखेगा ये सारे शेड, ब्यूटीफुल से बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं ये शेड्स। इसमें आपको मिल जाता है दो ट्रांजिशन शेड्स जो कि एक है लाइट ब्राउन शेड में और एक है डार्क ब्राउन शेड में। ये दोनों मैट शेड है एंड बाकी के सारे ग्लिटरी शेड है। यस, ये पूरा ग्लिटरी है, थोड़ा सा चौकी है, पाउडरी टाइप है क्योंकि ये आई डोंट थिंक ये एक्चुअल आई शेडो वाला पैलेट है, मतलब रियल वाला ड्यूप पैलेट है। दिस इज वाई ये कलर्स थोड़े ऐसे दिख रहे हैं। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पर स्वॉचेस दिखाए हैं, थोड़े से पिगमेंटेशन इसकी काफ़ी अच्छी है। और ये जो ट्रांजिशन शेड्स है ये थोड़ा सा लाइट है क्योंकि मेरी डार्क स्किन टोन है तो शायद उभर के नहीं आ रहे हैं। तो चलिए आपको दिखा देते हैं इसके एप्लीकेशन। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ म्यूजिक फ्लावर का आईब्रो जेल किट अपने आईब्रोज को ड्रॉ करने के लिए। ये थोड़ा सा ब्राउन शेड में है एंड आपको छोटे छोटे स्ट्रोक्स ड्रॉ करना है जैसे कि आपका आईब्रो है बिल्कुल वैसी तरीके से, ऊपर नीचे नहीं जाना है, कुछ इस तरीके से आपको करना है। देन मैं एक आईब्रो कॉम की मदद से थोड़ा सा कॉम कर लूँगी ताकि एक्स प्रोडक्ट थोड़ी अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाए। देन मैं मेबलिन की फिट मी कंसीलर यूज़ कर रही हूँ आईब्रो को थोड़ा सा क्लीन अप करने के लिए। इससे ना आईब्रो बहुत ही शार्प एंड एजी लुक दिखता है एंड बहुत ही उभर के आता है जो अपने आईब्रो ड्रॉ किया है उसको, कुछ इस तरीके से मैं क्लीन कर लूँगी। अभी मैं आईज़ को प्रेप कर रही हूँ कंसीलर की मदद से, आईलिड को प्राइम कर रही हूँ ताकि आई शेडो जो है बहुत अच्छी तरीके से उभर के आए। देन मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की कॉम्पैक्ट पाउडर इस कंसीलर को सेट करने के लिए। इससे कोई क्रीज लाइन नहीं आएगा, कंसीलर अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा तो आई शेडो पुट करने में भी आपको मदद मिलेगी। देन मैं ले रही हूँ फर्स्ट वाला जो ट्रांजिशन शेड जो है डार्क ब्राउन शेड, उसको मैं लूँगी एंड अपनी क्रीज लाइन पर लगाते हुए धीरे धीरे ब्लेंड करूँगी वाइपिंग मोशन में बाहर से अंदर की तरफ। आई शेडो का एक ही की होता है कि आप अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड करो एंड थोड़ा थोड़ा करके आपको प्रोडक्ट लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। एक्सेस प्रोडक्ट अगर आ भी जाए तो आप उसको थोड़ा सा डस्ट ऑफ कर लीजिए। उसी के बगल में जो ये डार्क ब्राउन शेड है जो थोड़ा सा शिमरी है उसी को मैं लूँगी एंड क्रीज लाइन के नीचे एंड आउटर वी पे फोकस करते हुए मैं अच्छी तरीके से अप्लाई करूँगी एंड पूरी आईलिड के ऊपर भी इसी कलर को मैं अप्लाई करूँगी। बहुत ही हल्के हाथों से आपको ब्लेंड करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है आपको आईज पर। देन मैं एक फ्लैट ब्रश एंड कंसीलर को ले रही हूँ क्रीज को कट करने के लिए। पहला वाला जो लुक है वो कट क्रीज के ऊपर है, आपको कॉर्नर ऑफ द आईज में कुछ इस तरीके से कंसीलर की मदद से कट क्रीज बना लेना है। क्रीज को 3/4 मतलब पूरा आईज को नहीं, आईज के हाफ ऑफ द पोर्शन में आपको कंसीलर लगा लेना है। देन उसके बाद उसके ऊपर आपको आई शेडो लगाना है। सो मैंने कंसीलर लगा लिया है। देन मैं ये वाला जो कॉपरिश सा शेड है उसी को ले रही हूँ मैं एक छोटी सी फ्लैट शेडर ब्रश की मदद से एंड ये वाला शेड बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब ब्रश की मदद से ही अप्लाई हो गया था तो मुझे फिंगर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। देन मैं सेम ब्राउन ट्रांजिशन शेड को लूँगी एंड थोड़ा सा एक और ब्रश ब्लश
ब्रश लूँगी एंड दोनों को मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दूँगी दोनों लाइन्स को, ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे। तो मैं लोअर लैश लाइन पे भी सेम ब्राउन शेड लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा करके, ताकि दोनों ऊपर और नीचे का आईज जो है कलर वो बैलेंस हो जाए। देन मैं NYB की आईलाइनर यूज कर रही हूँ यहाँ पर, एंड एक छोटा सा विंग आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। ये बहुत ही अच्छा वाटरप्रूफ आईलाइनर है, जिन लोगों को वाटरप्रूफ आईलाइनर चाहिए आप ये वाला एक बार ट्राई कर सकते हो। देन मैं काजल लगा रही हूँ एंड मेरा आई शेडो जो है वो ऑलरेडी, मतलब आई शेडो वाला लुक खत्म हो गया है। फिर बाकी सारी जो चीज़ें मस्कारा एंड ऑल, मैं यहाँ पर मेबलिन की हाइपर कर्ल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, फिर सब लगा के मैं अपना आई लुक कम्प्लीट करूँगी। आप चाहे तो फॉल्स आई लैशेज लगा सकते हो, पर मुझे उतना पसंद है नहीं, तो इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ, आपको तो पता ही है। देन मैं नीचे भी थोड़ा सा हल्के से काजल को स्मच कर लूँगी, ताकि आईज थोड़ा सा अच्छा दिखे। देन मैं ये वाला शेड थोड़ा सा हाइलाइटिंग के लिए अप्लाई कर रही हूँ अपनी ब्राउ बोन के ऊपर एंड अपनी कॉर्नर ऑफ द आईज पे मैं इसी शेड को लगाऊंगी एंड माई आई लुक इज टोटली कम्प्लीट। इट्स वेरी ईजी, आप इसको एक बार ट्राई कीजिए ज़रूर, एंड आप चाहो तो कोई दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये था मेरा फर्स्ट लुक कट क्रीज वाला। देन सेकेंड लुक के लिए मैं सेम प्रोसेस में आईज को प्रेप कर लूँगी। सेकेंड लुक एक्चुअली मैं क्रिएट करूँगी हेलो आईज, तो इसके लिए मैं सेकेंड वाला जो ट्रांजिशन शेड है जो है लाइट ब्राउन शेड में, मैं उसको पिक करूँगी अपनी क्रीज लाइन के ऊपर एंड देन मैं ये डार्क ग्रीन जो शेड है, ये भी शिमरी शेड है, इसको मैं पिक करूँगी एंड वो वाला क्लिप मुझसे डिलीट हो गया है, तो कुछ इस तरीके से आपको लगा लेना है कॉर्नर ऑफ द आईज में एंड वी कॉर्नर आउटर वी पे लगाना है, मिडिल वाला पोर्शन थोड़ा सा छोड़ देना है एंड देन कंसीलर की मदद से आपको मिडिल में कंसीलर को पुट करना है एक फनल के टाइप पे, एक वी शेप में आपको कंसीलर को लगाना है कुछ इस तरीके से। पहला वाला जो तो हमने कॉर्नर से लगाया, ये वाला हम लोग आईज के बीच में से लगाएंगे। देन मैं ले रही हूँ ये लाइट ब्राउन ग्रीन शेड सेम फ्लैट ब्रश की मदद से एंड इसको मैं मिडिल में लगा लूँगी। आप अगर चाहो तो ब्रश की मदद से या अपनी फिंगर की मदद से भी इसको लगा सकते हो, फिंगर की मदद से अच्छी तरीके से प्रोडक्ट पिक होता है। देन सेम डार्क ग्रीन शेड को मैं लूँगी एंड जो भी हार्श लाइन हुआ है ना उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर देना है। सॉरी मेरा कैमरा थोड़ा सा मतलब उतना अच्छा है नहीं, तो आपको सब कुछ थोड़ा सा वाइट दिख रहा है। आई होप कि आपको पसंद आ रहा है एंड आपको मैं समझा पा रही हूँ कि आपको किस तरीके से ये करना है। आप दूसरे शेड्स के साथ इसको कर सकते हो एंड मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर इसको टैग करके एक बार बताइएगा कि आपने कौन सा शेड यूज़ किया है। देन सेम प्रोसेस में अप्लाई कर रही हूँ काजल मस्कारा एंड आईलाइनर। ये है मेरी इंस्टा आईडी, आप इस पर ज़रूर मुझको फॉलो करिए एंड मैं ऐसे अपडेट आपको देती रहूँगी वहाँ पर। सो या दिस इज़ माई फिनिश्ड लुक, मेरा आईलाइनर जो आई शेडो लुक है वो ख़त्म हो गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स, अगर पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग से लेके, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।